नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरुण ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। बर्फबारी से किन्नौर और लाहौल स्पीति में सेब की फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट तलब। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर और लाहौल स्पीति में सेब की फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट तलब की है। पिछले दिनों हुए सीजन की पहली बर्फबारी से दोनों जिलों के सेब बागवानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। सरकार ने बागवानी विभाग के अधिकारियों से फील्ड से हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट भेजने के आदेश जारी किए। बता दें, किन्नौर जिले में दो दिन की बर्फबारी से रक्षम, खरोगला, बटसेरी, थेमागारंग, पानपो, सांगला, कामरू, ठगी, कानम, लाभरंग, नेसंग, पूह, रीजंग, कंडा, रोपा वैली, ग्याबुंग, हांगो और चूलिंग सहित अधिकांश ऊंचे क्षेत्रों में सेब सहित नकदी फसलों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। हिमाचल एचआरटीसी बस की ब्रेक फेल, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सलाना से करसोग जा रही बस के शोरासन के समीप अचानक ब्रेक फेल हो गए। चालक ने सूझबूझ का परिचय देकर बस को मुख्य मार्ग के साथ हल्की चढ़ाई वाले संपर्क मार्ग पर चढ़ाकर काबू किया। वहीं हालांकि बस पीछे हटते हुए पलट गई, इसमें 5 सवारियों को चोटें आई हैं। इसके अलावा बात करें तो हादसे के वक्त बस में चालक, परिचालक समेत 13 लोग सवार थे। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला। परिवहन निगम ने हादसे के तकनीकी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। वहीं डीएसपी गीतांजलि ठाकुर ने कहा कि पुलिस भी मामले की छानबीन कर रही है। बुधवार सुबह एचआरटीसी की बस HP03B6135 सलाना से करसोग की ओर जा रही थी। 10 बजे के करीब जैसे ही बस शोरसन पहुंची तो यहाँ स्पीड ब्रेकर के समीप चालक ने स्पीड को कुछ कम करने के लिए ब्रेक मारी, लेकिन बस की ब्रेक नहीं लगी। तकनीक खराबी को खुद पकड़ लेगी, नई ईवीएम छेड़छाड़ की तो काम करना कर देगी बंद। हिमाचल प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा हल होने जा रहे उपचुनाव के लिए इस बार नई M3 ईवीएम की व्यवस्था होगी। नई मशीनों की खासियत यह है कि इनमें अब 32 की बजाय 384 उम्मीदवारों के नाम जोड़ने की व्यवस्था रहेगी। M3 नई तकनीक की ये मशीनें पहली बार हिमाचल के चुनावों में इस्तेमाल होंगी। मशीनें खराबी को भी खुद पकड़ लेगी। अगर किसी ने इन मशीनों से छेड़छाड़ की तो यह काम करना बंद कर देंगी। सॉफ्टवेयर में फॉल्ट आने पर कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले स्क्रीन में प्रदर्शित कर सकती है। वही इससे मशीन को जल्द दुरुस्त करने में मदद मिलेगी और चुनाव में पारदर्शिता बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा अंतिम जिले में ढोल नगाड़ों की थाप, झूमे देवलू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के ढालपुर में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के 6 दिन बुधवार को ढोल नगाड़ों की थाप पर शाही अंदाज में भगवान नरसिंह की जलेब निकाली गई। जिले में ढोल नगाड़ों की थाप पर देवलू झूमे, यह दशहरा की अंतिम जलेब थी। रामलाल ठाकुर बोले, कांग्रेस के समय 183 रुपये में मिलता था सिलेंडर। श्री नैना देवी जी के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय घरेलू गैस सिलेंडर 183 रुपये में मिलता था, अब वही सिलेंडर 1000 रुपये से ज़्यादा में मिल रहा है। पेट्रोल, डीजल, प्याज, टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से मुंह मोड़कर सीएम और मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं हाल में सीएम ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था कि महंगाई कांग्रेस के समय से है। वहीं उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गैस सिलेंडर 182-183 रुपये में मिलता था। कांग्रेस के समय लोगों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब वो सरकार के खाते में जा रही है। उन्होंने कहा कि अब देश और प्रदेश की जनता भाजपा का असली चेहरा पहचान चुकी है। वहीं रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और सीएम जयराम की प्रतिष्ठा दांव पर है। वाहन को पास देते दीवार से टकरा दिया टेम्पो, बाल बाल बच्चे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के ढरोजी पंचपुला मार्ग पर रघुनाथ मंदिर के समीप एक टेम्पो ट्रैवल अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलटने से बाल बाल बच गई। इससे हादसा होने से टल गया। टेम्पो ट्रैवल DL01YC1862 गांधी चौक से पंचपुला की ओर जा रहा था। यह वाहन पर्यटकों से भरा हुआ था, इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। जब रघुनाथ मंदिर के समीप पहुंचा तो टेम्पो चालक ने सामने से आ रहे वाहन से खुद को बचाने के लिए टेम्पो को सड़क किनारे दीवार पर टकरा दिया। पुलिस को देखकर भागा व्यक्ति 27.60 ग्राम चिट्टे के साथ बोचा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के थाना ब्रह्माणा पुलिस ने एक व्यक्ति को 27.60 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी यशवर सिंह अपनी टीम के साथ पंजगाई से बैरी की तरफ गश्त पर थे। इस दौरान जब पुलिस टीम बरोटा जटान स्थित एक निजी होटल के पास पहुंची तो सामने से एक व्यक्ति अपने हाथ में कैरी बैग लेकर पैदल आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को सामने देखकर संबंधित व्यक्ति घबरा गया तथा भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस ने कुछ ही दूरी पर उसे दबोच लिया। शिमला लोअर बाजार में दुकान के स्टोर में भड़की आग, जूते और कपड़े जलकर राख। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लोअर बाजार में रिहायशी क्षेत्र में रात करीब 3 बजे एक दुकान के स्टोर रूम में आग लगने से 2.5 लाख रुपए के जूते और कपड़े जलकर राख हो गए। घटना की सूचना मिलने के चंद मिनटों बाद ही माल रोड फायर स्टेशन से आए बचाव दल ने आग बुझाने का काम शुरू किया। शेर पंजाब के पास राजा ज्ञाननाथ भवन में 11 मार्केट में बने स्टोर रूम में सुबह 3:08 पर आग लगने की सूचना अग्निशमन के कंट्रोल रूम को मिली। इस स्टेशन से बचाव दल वाहन और उपकरणों के साथ स्टेशन फायर ऑफिसर टेकचंद की अगुवाई में आग बुझाने मौके पर पहुंचे। करवा चौथ महंगा हो गया, सजना सवरना श्रृंगार के सामान के दाम 15 से 20% तक बढ़े। करवा चौथ पर सजना सवरना इस बार महिलाओं को महंगा पड़ेगा। कॉस्मेटिक से लेकर श्रृंगार का ज्यादातर सामान इस बार 15 से 20% तक महंगा हो गया है। शिमला के बाजारों में करवा चौथ के लिए रौनक तो बढ़ गई है, लेकिन सामान खरीदने के लिए जेब ढीली करनी पड़ रही है। वहीं कारोबारियों के मुताबिक बीते 2 साल की तुलना में इस बार करवा चौथ पर सामान महंगा हो गया है। सामान महंगा होने और शिमला पहुंचाने का किराया बढ़ने के कारण इनके रेट भी बढ़े हैं। हालांकि महिलाएं जमकर सामान खरीद रही हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग काफी बढ़ रही है। इसके लिए मनियारी शो पर काफी भीड़ लग रही है, इसके रेट भी बीते साल से 15% तक अधिक है। मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम जयराम पर साधा निशाना, बोले महंगाई के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते मुख्यमंत्री। मंडी में प्रेस वार्ता करते हुए बुधवार को विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि टाटा मंडी जिला से प्रोजेक्ट छोड़कर क्यों भागा। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में अपने लोगों को ठेका देने के लिए एक एक टेंडर को 4-4 बार संशोधित किया गया ताकि कंडीशन लगाकर छोटे छोटे ठेकेदारों को टेंडर लेने से रोका जा सके। चोर दरवाजे से भर्तियां कर अपने लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन न कर्मचारियों को उनका हक दिला पाए, न बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे पाए। उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलते, वो महंगाई पर कंपटीशन करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश टीईटी नवंबर परीक्षा के लिए करेक्शन विंडो खोली गई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए करेक्शन विंडो को शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा HPTET का आयोजन नवंबर 2021 में किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया है और अपने आवेदन पत्र में सुधार करना चाहते हैं, वो परीक्षा के आधिकारिक वेबसाइट hpboards.org पर जाकर इसे कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश वन विभाग भर्ती, 7 नवंबर को होगी वन रक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा, ग्राउंड टेस्ट नंबर नहीं जुड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में वन रक्षक के 386 पदों के लिए 7 नवंबर को लिखित परीक्षा होगी। पर्चा बागवानी विश्वविद्यालय नोनी सेट करेगा, वो वन विभाग परीक्षा करवाने में सहयोग करेगा, स्टाफ भी मुहैया करवाएगा। यह परीक्षा 85 अंकों की होगी। आजकल इस भर्ती के लिए ग्राउंड टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा हो रही है, वहीं इसका आयोजन विभाग के सर्कल स्तर पर हो रहा है। प्रदेश में कुल 13 सर्कल हैं, 311 पद वन विभाग में और 75 पद वन निगम में भरे जाएंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जमा 2 रखी गई है। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश की बेटियां भी वनों की रक्षा का अहम जिम्मा संभालेंगी। 386 पदों के लिए 37,561 लड़कियों ने आवेदन किए हैं, वो मैदानी परीक्षण में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिनभर की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।